हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है बजट सेगमेंट की सबसे शानदार और फीचर वाली एसयूवी निसान मैगनाइट। और ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट एक्सवी है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 7,71,000 रुपये। और आज मैं हूँ गैलेक्सी निसान कैपिटल मॉल होशंगाबाद रोड भोपाल में। तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 8,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी का अगर आप पूरा लुक देखेंगे ना तो ब्लैक कलर में तो कहर ढाती है यार, गजब का लुक मिलता है इसमें। और ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको भरपूर लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे, रियर का देखेंगे या साइड से देखेंगे, कहीं से ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेंगी। लुक तो इस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी अगर आप ये SUV खरीदते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ये समझ लीजिए कि इस गाड़ी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो बहुत ज़्यादा है। पूरा फ्रंट एरिया देखेंगे तो बोनट एरिया के ऊपर आपको एजेस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका लुक मस्कुलर हो जाता है। बीच में देखेंगे तो निसान की बैजिंग मिल जाती है, चारों तरफ आपको ग्रिल मिल जाती है। सराउंडिंग में देखेंगे तो क्रोम की चौड़ी पट्टी मिल जाती है, जो कि गाड़ी के लुक को बोल्ड बनाती है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे हेडलैम्प यूनिट में। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी देखने में डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। अंदर देखेंगे तो आपको लो बीम और हाई बीम के लिए हाइलोजन में बल्ब मिल जाता है, और साइड में आपको 10 इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे भी क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे DRL मिल जाता है, देखने में अच्छा लगता है। और ये जब ऑन होता है ना तो और भी शानदार लगता है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में वहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता। और नीचे देखेंगे तो आपको सिल्वर कलर की आगे बम्पर दिया गया है, देखने में अच्छा लगता है। एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा प्राइस रेंज में आती हैं लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलता 205 mm का। फ्रंट का पूरा व्यू देखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर और वॉफर मिल जाता है, जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये तो हो गई गाड़ी के पूरे फ्रंट व्यू की कहानी। अब एक बार हम इसके साइड व्यू की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई मिल जाती है। तो इस गाड़ी में आपको 3994 mm की लेंथ मिल जाती है और 1572 mm इस गाड़ी की हाइट है। और चौड़ाई की बात करें तो 1758 mm का मिल जाता है और 2500 mm का मिल जाता है बील वेव, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको 16 इंच का टायर मिल जाता है C8 का, पूरा डायमंड कट आपको अलॉय व्हील दिया गया। और ये चीज़ें दूर से हाईलाइट होती हैं। अलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अंदर देखेंगे तो अच्छा आपको सस्पेंशन मिल जाता है। तो अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों में भी लेके जाते हैं नई गाड़ी को तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। अच्छे खासा यहाँ पर जगह मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैट में आपको क्लैडिंग मिल जाती है, जो गाड़ी के चारों ही तरफ देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है कि गाड़ी बोल्ड लगती है। निसान मैगनाइट की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM दिया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखने में भी अच्छा लगता है। और यहीं पर आपको 10 इंडिकेटर दिया गया है। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है और एक आपको क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है छोटा सा, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा सा एरिया फील होता है। बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल मिलते हैं। और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दिया गया है 40 लीटर का। ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलती है, CNG और डीजल में नहीं मिलती। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन मिल जाता है सिल्वर कलर में, देखने में अच्छा लगता है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गाड़ी को बोल्ड बनाती हैं और पूरा ये SUV फील कराती हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेट्रोल टैंक दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो सिल्वर कलर की रूफ रेल है, ऊपर फार्क फिन एंटीना है और थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप से मिल जाता है, अच्छा लगता है। अब एक बार हम इसका पूरा रियर का व्यू देखते हैं। रियर का व्यू तो बहुत ज़बरदस्त लगता है यार, मतलब ये गाड़ी अगर आपके पीछे से निकल जाए ना तो आप मुड़ के ज़रूर देखेंगे। इस टाइप से पूरा डिज़ाइन है और ब्लैक कलर में तो ये बहुत ही गजब की लग रही है। एक चीज़ ज़रूर होती है कि ब्लैक कलर को थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर साफ़ सुथरी गाड़ी रहती है ना तो अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप, माउंटेन लैंप, ऊपर फार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर भी देखेंगे तो ठीक ठाक साइज का दिया गया है। पीछे का अगर आप पूरा व्यू देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें तो आपको बेस वेरिएंट में ही मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं है क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो अच्छा लगता है, पूरा LED पे है। यहीं पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग वाला लैंप मिल जाता है। और बीच में आप देखेंगे तो थोड़ा सा सिल्वर टाइप का कलर लगता है, अच्छा लगता है। नीचे देखेंगे तो चार आपको अल्ट्रासोनिक वाले सेंसर मिल जाते हैं पार्किंग के, जो अच्छी तरह से काम करते हैं। और नीचे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सिल्वर कलर में पीछे का बम्पर है। तो ये तो हो गई गाड़ी के पूरे फ्रंट, साइड और रियर की कहानी। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ये भी बेस वेरिएंट की तरह है। चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी लेकिन डिज़ाइन उसी टाइप से है, जैसे पूरा आपको लाइट ग्रे और डार्क ग्रे में पूरा कॉम्बिनेशन है डुअल टोन पे, अच्छा लगता है। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे सिल्वर पे आपको ओपनर मिल जाता है, ये फैब्रिक में है, सॉफ्ट है।
यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, पट्टी मिल जाती है, चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, ORBM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट भी कर सकते हैं, और ड्राइवर साइड देखेंगे तो ऑटो डाउन का फीचर्स मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो छोटी सी जगह है, 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 4 ही स्पीकर मिलते हैं, जैसे बेस वेरियंट में आपको एक भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे 4 मिल रहे हैं क्योंकि सेकंड टॉप वेरियंट है। सीट को मैं पूरा ही पीछे कर लेता हूँ, इससे क्या होता है कि जब मैं पीछे जाके आगे का स्पेस बताता हूँ ना तो चीज़ें समझ में आती हैं। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, सीट तो बहुत ज़बरदस्त है, कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइव करते हैं ना थकावट महसूस नहीं होगी, पूरी बकेट टाइप से आपको सीट मिलती है, पूरा आगोश में भर लेती है। इस टाइप पे थाई सपोर्ट देखेंगे तो बहुत शानदार है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। और पूरा सीट का पोस्चर भी देखेंगे ना तो अच्छी तरह से बनाया गया है यार। अभी एक बार पूरा इस गाड़ी का डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखिए यार, डुअल टोन पे है, प्रीमियम लग रहा है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC नोब का डिज़ाइन है, ये भी थोड़ा सा यूनिक टाइप से है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो ABC पैडल है, डेडिकेटेड डिट पैडल नहीं दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे फीचर बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आपकी गाड़ी में। सीट तो ज़बरदस्त है यार, सीट में अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिलेगा, ये तो गारंटी है। स्टीयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देखिए आप, प्रीमियम लगता है, डी कट पे फील होता है, ज़्यादा डी कट नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, अच्छा लगता है। पूरा देखेंगे तो सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, ऊपर निशान की बैजिंग मिल जाती है, दोनों साइड हॉर्न है, नीचे आपको एयरबैग दिया गया है। इधर साइड देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोन का कंट्रोल है, और इधर देखेंगे तो MIDU का कंट्रोल करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल है, और इधर राइट साइड में देखेंगे तो पूरा हेडलैम्प और फॉग लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। आगे देखेंगे तो फुली डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और इसमें आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। स्टीयरिंग के कंट्रोल की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। अब आपकी नज़र जाएगी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC दिया गया है, सराउंडिंग में सिल्वर कलर का यूज है, और बीच में क्रोम की टिप है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। नीचे आपको यहाँ पे हजार्ड बटन, पीछे के डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए और लॉक करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है AC। इसकी बटन की क्वालिटी बहुत प्यारी लगती है, अगर आप ड्राइव करते हुए इनको यूज करते हैं ना तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा स्पेस मिल जाता है मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पे आपको पुफी स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पेस दिया गया। स्पेस तो इस गाड़ी में आपको भरपूर मिलता है, कोई कमी है ही नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पे भी सिल्वर कलर का यूज है। सराउंडिंग में नीचे देखेंगे तो सिल्वर कलर का यूज है, क्रोम की टिप के साथ आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कप होल्डर, पीछे आप बॉटल भी रख सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो डे नाइट वाला मैनुअल IRBM है, बड़े साइज का अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है हाइलोजन में, दोनों ही साइड है। यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है टेम्परेचर के लिए, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। ऊपर आपको बातचीत करने के लिए माइक मिल जाता है, और उसके बाद आप को ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे मिरर मिल जाता है, ये अच्छी बात है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है। पूरा आप एरिया देखेंगे ना आगे का तो अच्छा खासा रूमी फील होता है। डुअल टोन है जिसकी वजह से प्रीमियम भी लगता है। ऊपर पूरा देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का ही यूज किया गया है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं है। ऊपर आपको डार्क ग्रे मिलता है, यहाँ पे बीच टाइप का कलर। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ये भी डिफरेंट साइज का है, बड़े साइज का ही समझ सकते हो आप इसको, इसमें भी सामान आ जाएगा। उसके बाद आप पूरा डैशबोर्ड देखेंगे ना तो थोड़ा सा एजिस टाइप के डिज़ाइन है, जो थोड़ा सा अच्छा फील कराता है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टाइप के डिज़ाइन लगता है। ये तो हो गई गाड़ी के फ्रंट कैबिन की पूरी कहानी। अब एक बार हम इसकी सेफ्टी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 2 एयरबैग, ABS+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब एक बार हम पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं कि पीछे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या फीचर्स और क्या आपको स्पेस मिलने वाला है। डोर अगर देखेंगे ना तो डोर तो उसी टाइप से, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ आपको फ्रंट डोर की तरह मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल पावर विंडो का बटन है। पीछे की सीट भी देखेंगे तो अच्छी खासी कंफर्ट वाली मिल जाती है। यहाँ पे बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिया है 2 कप होल्डर के साथ, और मोबाइल भी आप रख सकते हैं। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। सीट तो अच्छी खासी कुशनिंग की है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है, तो लग्जरी में तो कोई कमी नहीं है यार। कितनी भी दूरी अगर आप सफ़र करते हैं ना तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, और यहाँ पे आपको आइसोफिक्स का भी मिल जाता है ऑप्शन, ये सारी चीज़ें। और पीछे की मैंने जैसे बूट स्पेस नहीं बताया, तो इस गाड़ी में आपको 336 लीटर का बूट स्पेस, और पीछे आपको पावर फिल्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे पन्नी निकल रही है तो मैं इसको चढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताता हूँ कि किस टाइप से स्पेस मिलता है। आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछे किया हुआ था, इसीलिए मैं पूरा पीछे कर लेता हूँ एक बार,
यहाँ पे देखेंगे तो नी रूम आपको अच्छा मिल जाता है, लेग रूम भी ओके है और थाई सपोर्ट तो भरपूर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पर देखेंगे तो ये समझिए आपकी ना के बराबर है, तो अगर कोई बीच में बैठता है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पीछे बैठे हैं तो किसी टाइप से पूरा आपको डैशबोर्ड का डिज़ाइन लगता है जो प्रीमियम लगता है, पूरा हाईलाइट होता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, बीच में आपको कैबिन लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पे दो लोग तो आराम से बैठ जाएंगे और तीन लोग भी आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको यहाँ पे ये मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड मिल जाता है, ये अच्छी बात है। तो ये तो हो गई इस गाड़ी के पूरे अंदर की कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ये SUV है ना तो इसमें क्या इंजन मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गाड़ी में आपको 999 cc का BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें आपको 71 BHP की मैक्सिमम पावर और 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है और ये 3-सिलेंडर इंजन है और इसमें आपको लगभग 19 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये देखने में बहुत प्यारी लगती है, लुक तो बहुत ज़बरदस्त लगता है यार। और 4 स्टार की आपको सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है और पूरा ये SUV वाला फील मिल जाता है और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आप कोई न्यू गाड़ी परचेस करने की सोच रहे हैं ना तो आप शोरूम में जाके इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव आप एक बार लेके ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।